नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं वनमाईलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं सीटेल न्यूज। देखते हैं जनपद से जुड़ी खास खबरें। रोजाना जनपद के सुखवाबाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रिक्शे पर बैठकर रोड शो किया। रोड शो के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कन्नौज सीट से अपना प्रत्याशी हटाने के बयान पर कहा कि अखिलेश चाहे कुछ भी करे, डिम्पल हमारे घर की बहू है, इसलिए पर्चा लौटाया। रिक्शे के सवाल पर कहा कि मैं तो पैदल ही निकला था, लोग जमा हो गए तो रिक्शे में चल दिए। तो देखते रहिए जुनैद खान की एक खास रिपोर्ट। होगी 24 को मायावती कहेंगी गठबंधन तोड़ रहे हैं, अहीरों ने और मुसलमान ने उन्होंने वोट नहीं दिया है, और अखिलेश यादव रोड पे बानरों की तरह घूमेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे साथ पूरे प्रदेश की जनता है और सभी वर्गों का हमें वोट मिल रहा है, तो जीत तो हमारी हो ही रही है। नरेश अग्रवाल पे क्या कहेंगे, जो कहा है अखिलेश यादव पे बानरों की तरह घूमेंगे? तो उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, नेताजी, कन्नौज में डिम्पल यादव के सामने से आपने प्रत्याशी हटाया, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, मैंने हटाया जी, हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, जी, कि अखिलेश को जो चाहे वो करने दो, लेकिन बहू है घर की, बहू की वजह से पर्चा वापस ले ली। आज आप रिक्शे में रोड शो कर रहे हैं, आगे क्या वजह रही? मैं तो निकला था कुछ ही लोगों को लेके हमारे साथ थे, लेकिन भीड़ आती गई, जनता उमड़ पड़ी, तो पैदल चला था, पैदल चलने का था, हम निकलेंगे हाथ जोड़ते हुए, जनता इतनी आ गई दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो रिक्शा ले लिया, रिक्शे से वोट मांग लिया। देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनेगी।